आगे सिमडेगा में निलंबित कांग्रेस विधायक नमन विकसल कुंगाड़ी के समर्थकों ने जुलूस निकालकर कुंगाड़ी को षड्यंत्र में फंसाने का आरोप लगाया है। इस जुलूस में बड़ी संख्या में कोलबेरा के कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए और कांग्रेस विधायक अनूप सिंह पर कुंगाड़ी को झूठे आरोप में फंसाने का आरोप लगाया। इस दौरान कुंगाड़ी समर्थकों ने जोर शोर से नारेबाजी भी की। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर कुंगाड़ी को षड्यंत्र में फंसाने का आरोप लगाया गया। विधायक अनूप सिंह के खिलाफ यहां पर नारेबाजी की गई। न्यायपालिका क्या लाती है वो खुलकर के छनकर के सामने आएगा, लेकिन अभी ये कहना कि वो दोषी हो गया, मैं न दोषी करार दूंगा और न मैं निर्दोष करूंगा, लेकिन अभी चूंकि हमारे माननीय विधायक है इसलिए मैं उनके। और बड़ी खबर आपको गिरिडीह से बताते चले। गिरिडीह में 11 साल से लापता लड़की को पुलिस अब तक नहीं ढूंढ पाई है। इस मामले में हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए गिरिडीह एसपी को जमकर फटकार लगाई है और पुलिस की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। लापता बेटी को खोजने के लिए पिता ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने पूछा कि आखिर 11 साल में कितने एसपी आए और गए, लेकिन उसका कोई सुराग क्यों नहीं मिल पाया। वहीं बेटी की खोज के दौरान मां की भी हत्या हो गई। हाईकोर्ट ने लापता बच्ची की खोज के लिए एक महीने का समय दिया है और कहा है कि लड़की जिंदा या फिर मृत, इसकी जानकारी कोर्ट को जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाए। साथ ही ये भी कहा गया कि अगर लड़की को नहीं खोज पाए तो 11 साल में जिले में जितने भी आईपीएस की पोस्टिंग हुई है उनका अवार्ड और प्रमोशन वापस ले लिया जाएगा। कुछ जवाब नहीं दिया, वहाँ भी बोल ठीक है ना, वहाँ भी एसपी पास गए वो भी जवाब नहीं दिए है ना, फिर कोर्ट में गए कोर्ट भी जवाब नहीं दिया, तो हाई कोर्ट पहुँचे, हाई कोर्ट में ही अभी तक निर्णय कुछ नहीं मिला है ना। आपके भाने के बारे में अभी तक कुछ पता अभी तक कोई मने इसका मने हमारा पता नहीं ना, कोई पता नहीं है जो मार दिया कि कहाँ बेच दिया इसके बारे में कोई हम लोग कोर्ट से अपने करने चाहते हैं। बोले इसको मेरा भाग्नी का निर्णय मिल जाए, इसका जो लोग मार दिया है कि बेच दिया है उन लोग को मैंने सजाए होना चाहिए, जो भी होगा वो होना चाहिए इसका मामले में। गिरिडीह जिले में 7 आईपीएस अधिकारियों ने 11 साल से गायब बच्ची को नहीं ढूंढ पाया है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है और तमाम 7 आईपीएस अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है और कहा है कि कुछ ही दिनों में अगर बच्ची के बारे में रिपोर्ट नहीं दिया जाता है अदालत को तो तमाम 7 आईपीएस अधिकारी जिन्होंने गिरिडीह जिला में एसपी के पद पर कार्यरत रहे हैं उनके जो प्रमोशन हुए हैं और अवार्ड मिला है उन्हें वापस ले लिया जाएगा। आपको तस्वीरों के जरिए मैं दिखाना चाहूंगा और पहले मैं बता दूं कि यह मामला गिरिडीह जिले के सरिया थाना क्षेत्र का है और आपको बता दें कि 11 साल में से गुम हुई एक लड़की को खोजने के लिए उसके पिता बोधी पंडित ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की है और पिछले शुक्रवार को जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट ने सुनवाई के दौरान गिरिडीह एसपी को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने एक महीने का समय दिया है और कहा कि गिरिडीह पुलिस लड़की को खोज कर लाए, जिंदा या मृत उसकी जानकारी अदालत को उपलब्ध कराए और एक महीने में लड़की को अगर नहीं खोज पाए तो 11 साल में उस जिले में यानी गिरिडीह जिले में जितने भी आईपीएस ऑफिसर आए हैं और गए हैं उनके अवार्ड और प्रमोशन को वापस ले लिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि हाई कोर्ट ने कितनी तल्ख टिप्पणी की है और पिछले 11 सालों में गिरिडीह जिले में 7 आईपीएस अधिकारियों ने अपनी सेवा दे चुकी है लेकिन एक गायब लड़की को 11 वर्ष में नहीं ढूंढ पाई है और इस प्रकार गिरिडीह जिले में जो पुलिस की कार्यशैली है उस पर लगातार सवाल उठ रहा है और संदेह के घेरे में है, जिस पर हाई कोर्ट ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की है। गिरिडीह से न्यूज 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और अब इस पूरे मामले को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल उठता है कि आखिर 11 साल से लापता लड़की का सुराग कब खोजबीन में क्यों फेल साबित हुई पुलिस। आखिर 11 साल के से लापता लड़की का सुराग कब मिलेगा, खोजबीन में पुलिस फेल क्यों साबित हुई, क्या फटकार के बाद पुलिस जागेगी, क्योंकि 11 साल तक आखिर पुलिस क्या करती रही, ये सवाल उठना लाजमी है। 11 साल पहले एक लड़की लापता होती है और अब तक उस लड़की का कोई सुराग नहीं मिलता।